दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने डिफेंस क्लासेस पर। दोस्तों हम लोग बातचीत करेंगे आपका एओसी के रिटर्न के एडमिट कार्ड को लेकर के। आप सभी साथी यहां पर दोस्तों देख सकते हो कि आपके एओसी के फायरमैन के और ट्रेड्समैन के रिटर्न एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। दोनों ट्रेड का दोस्तों जो एग्ज़ाम डेट है वो 21 मई है। अब देखिए यहाँ पर बात करें दोस्तों, जो फायरमैन की डेट है वो एक हफ्ते पीछे गई है, यानी जो 14 था वो 21 हुआ है, और जो ट्रेड्समैन मेट वाले साथी थे जिनका 28 को एग्ज़ाम था उनका 21 को हुआ, यानी दोनों के लिए क्या हुआ है, फायरमैन को तो एक हफ्ते का फायदा और ट्रेड्समैन के लिए एक हफ्ते का नुकसान हुआ है। लेकिन अभी जो चीजें हो चुकी है दोस्तों उसको छोड़िए, आप देखिए यहां पर 21 मई 2023 को आप लोगों का एग्जाम है दोस्तों। और मैं बता दूं, जिन सेंटर पर दोस्तों आप लोगों के फिजिकल हुए थे उसी सेंटर पर आपको आपके सभी के रिटर्न एग्जाम आपके हो रहे हैं, रिटर्न का टेस्ट आपका उसी सेंटर पर हो रहा है। और दोस्तों बता दूं, एक ही दिन में सभी साथियों का जो टेस्ट है वो एक ही दिन में कंडक्ट करवाया जा रहा है। देखिए जो पहले बात हो रही थी, हो सकता है एक दो दिन कंडक्ट करवाने के चक्कर में आपका दिक्कत हो जाती है, इसलिए क्या किया गया, उसकी पारदर्शिता को रखते हुए जहां पर आपके क्या हुए थे, फिजिकल हुए थे दोस्तों, उसी सेंटर पर आप लोगों के रिटर्न टेस्ट हो रहे हैं। देखिए 21 मई को ही सारे बच्चों के, यानी 21 मई के, चाहे वो फायरमैन का है, चाहे ट्रेडमैन का है, चाहे फिजिकली हैंडीकैप है, चाहे आपका वो स्पोर्ट्समैन पर्सन है या एक सर्विसमैन है, सभी के एग्ज़ाम को 21 मई को करवाया जाएगा। आप लोग यहां पर देख सकते हो। इसके बाद दोस्तों मैं दिखाना चाहूंगा आपको, देखिए यहां पर ट्रेडमैन का एडमिट कार्ड आपके सामने है, फायरमैन के बच्चों के एडमिट कार्ड आ गया। आपको विथ प्रूफ दिखाने वाला हूँ कि सभी के एग्ज़ाम डेट एक ही दिन है, आपको मैं सब चीज़ों का प्रूफ भी दिखाने वाला हूँ। और आप लोगों से कहना चाहूँगा दोस्तों, आप लोगों का एओसी रिटर्न के लिए बहुत ही ज़बरदस्त क्लासेस मैं रन कर रहा हूँ। आप लोग टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर जरूर ज्वाइन करिए, क्योंकि आपको वहाँ पर एकदम पेड तरीके से जो क्लासेस होती है उस तरीके से, वही बाई लैंग्वेज इंग्लिश वगैरह के सारे नोट्स पीडीएफ सब कुछ मिल रहा है। और आपको मैं बता दूं, आप लोग अगर उनको फॉलो कर लोगे आराम से 130 प्लस नंबर आप स्कोर कर सकते हो रिटर्न एग्जाम पे। आप लोग पढ़कर देखिए, जाकर के उन सारे कंटेंट को देखिए, तब आपको भरोसा होगा। चलिए हम लोग बात करते हैं दोस्तों, आप लोग यहां पर देख सकते हो, ये देखिए बच्चे का इलाहाबाद में उत्तर प्रदेश में, इसका देख सकते हो यहां पर इसका एग्जामिनेशन सेंटर है। मैं सारे स्टेट का जो लाया हूं आपको दिखाने वाला हूं, ठीक है। दूसरा दोस्तों एडमिट कार्ड आप लोग देखिएगा यहां पर, ये कैंडिडेट दोस्तों हमारा क्या है, देखिए इसका भरतपुर राजस्थान में, यहाँ पर आप देख सकते हो इसका भरतपुर राजस्थान में रिटर्न एग्जाम है, और 21 मई को इसका भी आप लोग देख सकते हो, ये भी ट्रेडमैन का है, और ये देखिए भरतपुर राजस्थान में, ठीक है। इन सभी स्टेट के दोस्तों जारी किए गए हैं, आप लोग उसके लिए चिंता ना करिए, सभी के एडमिट कार्ड आ रहे हैं। देखिए जिन साथियों के अभी तक एडमिट कार्ड नहीं आए हैं वो वेट कर लीजिए शाम तक। आप देख सकते हो यहाँ पर डापर पंजाब का, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, ये डापर पंजाब का, जहाँ पर दोस्तों 4 बजे आपको रिपोर्टिंग करनी, गेट क्लोजिंग टाइम दोस्तों आप लोगों का 8 बजे है। ये भी हमारा दोस्तों क्या है, ट्रेडमैन का, आप यहाँ पर सारी जो को देख सकते हो। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं, यहां पर हमको दिया हुआ है 21 मई को, आप लोग देख सकते हो यहां पर ट्रेडमैन का भी, मैं फायरमैन का भी दिखा रहा हूं, आप थोड़ा सा वेट करिए। ये देखिए जबलपुर मध्य प्रदेश का एडमिट कार्ड है, आप सभी साथी यहां पर चीजों को देख सकते हो। फिर नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं आपका, ये देखिए ट्रेड्समैन का है दोस्तों, और ये देखो देवू रोड महाराष्ट्र का, यानी महाराष्ट्र के भी दोस्तों एडमिट कार्ड को जारी किया गया, मैं सबके दिखाने वाला हूं। आप लोग थोड़ा वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों 21 मई को, देखिए इस बच्चे का है, और ये दोस्तों देखो बिगुंडी वेस्ट बंगाल में है, और ये देख सकते हो फायरमैन का, जो आप लोग कंफ्यूजन था, देखिए फायरमैन का ये बच्चा यहां पर आप देख सकते हो, सामने लिखा हुआ है फायरमैन का कैंडिडेट है, यहां पर इसका एग्जाम होने वाला, देखिए रिटर्न टेस्ट का एडमिट कार्ड है, सारी चीजों को आप लोग देख सकते हो दोस्तों। कुछ चीजों को एप्लीकेशन वगैरह को मैं नहीं दिखा पाऊंगा आपको, क्योंकि देखिए कुछ थोड़ा सा इशू है आपका वो। नेक्स्ट दोस्तों हम लोग बात करेंगे, देखिए ये बच्चा जो है ये आप देख सकते हो उत्तर प्रदेश का, फिर 21 मई को एग्जाम है दोस्तों ट्रेडमैन का, और कानपुर उत्तर प्रदेश में देख सकते हो आप इसका एग्जाम, यानी सारी चीजों को दोस्तों मैं आपको एकदम क्लियरिफाई करके दिखा रहा हूं कि सभी बच्चों के, जितने बच्चों ने क्या किया था, फिजिकल दिया था जिस सेंटर पर, उन्हीं सेंटर पर दोस्तों उनके जो है रिटर्न टेस्ट भी हो रहा है। आप सभी साथी यहाँ पर देख सकते हो, और मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा खूब अच्छे से तैयारी करिए। देखिए आपके पास समय बहुत कम बचा हुआ, अभी आपके पास 17-18 दिन ही बचे हुए हैं, जितना हो सके दोस्तों आप लोग खूब टेस्ट सीरीज़ को लगाइए, जितना हो सके आप लोग इंग्लिश की प्रैक्टिस खूब ज़्यादा करिए, जीएस का जितना हो सके उतने कॉन्टेंट और उसकी प्रैक्टिस करिए, क्योंकि आपको पता है दोस्तों सबसे कम कम्पिटिशन अगर आपका किसी एग्ज़ाम में है तो वो आपका एओसी का एग्ज़ाम, अगर सबसे कम दोस्तों कम्पिटिशन अगर की बात करूँ दोस्तों वो इस समय किसी एग्ज़ाम में है तो वो सबसे कम दोस्तों आपका कम्पिटिशन एओसी के इसी एग्जाम में है, जहां पर आप देख सकते हो करीब करीब 32 से 33 हज़ार के आसपास बच्चे हैं, और दोस्तों आपकी 1793 पोस्ट है। आप सभी साथी जानते होंगे एक जबरदस्त वैकेंसी आप लोगों के लिए देखने को मिल रही है, जहां पर अगर आप खूब अच्छे से तैयारी करते हो अगले 5 से 6 महीने के अंदर आपकी जॉब लग जाएगी। और दोस्तों जिस तरीके से एओसी काम कर रही है, आप लोगों को पता, अगर आपका 21 मई को एग्जाम हो गया तो ये लेटेस्ट मान के लिए दोस्तों आपका जुलाई मिड में आप लोगों के रिजल्ट आ जाएंगे, उसके बाद आपका मेडिकल, और आपके मान के लिए सितंबर अक्टूबर तक आप लोगों की ज्वाइन
लाइनिंग हो जाएगी, ठीक है। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, जिन साथियों ने आपको पता था कि फायरमैन का और ट्रेडमैन का फिजिकल कितना टफ था, ठीक है, उस टफ फिजिकल को दोस्तों आप लोग क्वालिफाई करके आए हो, तब आपका रिटर्न का एग्जाम आया है, ठीक है, तब आपको रिटर्न का एग्जाम देने को मिल रहा है। तो दोस्तों आप बिल्कुल भी लापरवाही मत करिएगा, खूब अच्छे से अपनी तैयारी करिएगा ताकि आपका अंतिम सिलेक्शन जरूर हो पाए। और मैं बता दूँ आपका इंग्लिश वगैरह के लिए, इंग्लिश की बात करें आपका, चाहे आपकी जीएस की बात करें, दोस्तों दोनों के लिए ज़बरदस्त नोट्स और प्रिपरेशन मैं खुद करवा रहा हूँ, और बहुत ही जल्द दोस्तों कुछ मैराथन के माध्यम से आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रीजनिंग, देखिए रीजनिंग में दोस्तों आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, रीजनिंग में आप कोई प्रैक्टिस सेट उठा लो, उसकी जितनी प्रैक्टिस करोगे वो सभी एग्जाम के लिए दोस्तों रीजनिंग आपकी सेम होती है। और आप सभी साथियों को मुझे उम्मीद है कि रीजनिंग बहुत अच्छे से आती होगी, जहां पर आप दोस्तों 50 में से 40-45 आराम से स्कोर कर लोगे, ठीक है। और अगर बात करें दोस्तों मैथ में भी दोस्तों आपके 25 क्वेश्चन आएंगे, जहां पर सभी साथी आराम से 20-22 तक कर लोगे, क्योंकि आप लोग इन दोनों की प्रैक्टिस खूब करते हो। लेकिन दोस्तों आपको प्रॉब्लम आती है जीएस प्लस इंग्लिश में, देखो इंग्लिश में तो बहुत बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है, और इंग्लिश के लिए दोस्तों मैं 8 प्रैक्टिस सेट आप लोगों को करवा चुका हूँ, आप लोग जाकर के टेलीग्राम पर देख लीजिए, आप व्हाट्सएप ग्रुप में देख लीजिए, जहां पर उसकी पीडीएफ वगैरह और उसकी आंसर की वगैरह सब आपको दी हुई है, आप खुद जाकर कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों मैंने प्लेलिस्ट बना दिया, आप चैनल पर जाकर के प्लेलिस्ट में देख लीजिए, इंग्लिश प्रैक्टिस सेट नाम से है, आप लोग वहां पर भी प्रैक्टिस पूरी कर सकते हो, इस सीक्वेंस में सारी चीजों को देख सकते हो और पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। और दोस्तों जीएस के लिए दोस्तों मैं आप लोगों को बाई लैंग्वेज नोट्स दे रहा हूँ, प्लस प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, प्रैक्टिस सेट आप लोग जाकर देखिएगा कितना जबरदस्त प्रैक्टिस सेट है, 25 क्वेश्चन की प्रैक्टिस देता हूँ, जिसमें दोस्तों कम से कम आपके 25 के 4 ऑप्शन, और आप लोग काउंट कर लीजिए कम से कम 100 से 120 क्वेश्चन आप लोगों के डेली कवर करता हूँ, और बहुत ही दोस्तों मिनिमम समय में करता हूँ, जो आपके लिए बहुत फायदेमंद है। और वो जो चीज़ें हैं वो आपका जो है एओसी या प्रीवियस ईयर में वो पूछे गए सारे क्वेश्चन हैं, इधर उधर के दोस्तों क्वेश्चन है, वो सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं, तो आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है। आप सभी साथी चैनल्स को जरूर सब्सक्राइब करो, टेलीग्राम से और व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर जुड़ो, जिससे आपको दोस्तों बहुत फायदा होने वाला है, 20-15-20 दिन की बात है, आपका पेपर अच्छे से क्वालिफाई हो जाएगा। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, अगर आप लोगों को ये सारी जानकारियाँ पसंद आ रही है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।